Hello friends, welcome to Computer and General Studies by Engineer Sonia. Today our topic of discussion is linear arrays of structures. जैसा कि हम data structures में array पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो arrays हैं हमारे, उनको हम structures को implement करने में कैसे use कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए start करते हैं. Array of structures. Structures are convenient method to use if there are only one or two elements to organize. जैसे कि structures का हमें पता है कि structures हम use करते हैं different type का जो data है उसको एक ही जगह पर organize करने के लिए, ठीक है? जैसे कि अगर मुझे किसी भी employee का name store करना है, address store करना है, contact number save करना है, तो ये different type का data है, integer है, इसमें characters and strings हैं, तो इन सब को एक ही जगह store करने के लिए हम structures use करते हैं, ठीक है? तो structures जो हैं हमारे लिए convenient होती है जब तक हमें कोई suppose एक employee का data store करना है या दो employee का data store करना है. अगर हमें बहुत ज़्यादा संख्या में data store करना होता है तो structures को हम अगर एक-एक entity बनाते रहेंगे, एक-एक object बनाते रहेंगे तो बहुत time consuming हो जाता है. तो अगर उस जगह पर हम array use कर लेते हैं ना, arrays of structures बना लेते हैं, तो वो हमारे लिए implement करना बहुत easy हो जाता है, convenient हो जाता है. तो वहाँ हमें array की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? But in case there are too many objects needed for a structure, for example, a structure designed to organize data of each book in a library, then in that case the array will be introduced. ठीक है? जैसे अगर हमें किसी अगर एक book का data store करना है, तो structure convenient है कि book का name, book का ID, book का author और कब book लिखी गई. ये सारी चीजें अगर हमें एक book के लिए करनी है, दो book के लिए करनी है, तो ठीक है, structure सिर्फ simple structures use करेंगे, it's okay. लेकिन अगर मुझे पूरी library की books की ये information, पूरी library में एक-एक book की information मुझे स्टोर करनी है, तो स्ट्रक्चर्स में मैं बुक 1, बुक 2, बुक 3 अप टू 1000 तक कितने एंटिटीज बनाऊंगी, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और इंप्लीमेंट के लिए भी मुश्किल हो जाएगी. तो वहां हम क्या करेंगे, एरे बना लेंगे वहां पर इतनी बुक्स का, ठीक है? और फिर इतनी बुक्स का हम एरे बना के उसे इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर सिंपल स्ट्रक्चर्स की हम बात करें, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं एरे नहीं यूज कर रही हूं, स्ट्रक्चर्स यूज कर रही हूं सिर्फ, तो ये एक स्ट्रक्ट बनाया मैंने, बुक के एक बुक बनाया, फिर उसमें ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, बुक का टाइटल स्टोर करेंगे, ऑथर कौन है और किस सब्जेक्ट की बुक है और बुक का आईडी कितना है, ठीक है? अगर हमें ये इंप्लीमेंट करना है तो ये लिखने से कोडिंग में क्या हो जाता है, ये एक मेमोरी एलोकेशन हो जाती है, ठीक है? हमें इतनी मेमोरी मिल जाती है एक टाइटल के लिए, एक ऑथर के लिए, सब्जेक्ट के लिए, बुक के लिए, ठीक है? यहाँ पर चार मेमोरी एलोकेशंस हमें मिल जाती हैं. और ये जो बुक्स का स्ट्रक्चर है, ये एक तरीके का टेम्पलेट बन जाता है जब हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. तो आगे हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर्स में, कि एक एंटिटी बनाएंगे बुक 1 के नाम से, ठीक है? इसमें सिर्फ एक ही बुक 1 के नाम से, जब मैं ये लाइन जब मैं बनाती हूं, तो मेरे पास एक बुक 1 का यही टेम्पलेट एक और कॉपी हो जाता है, ठीक है? और यहां पर सिर्फ बुक 1 की वैल्यू एंटर हो जाती है, ठीक है? जैसे चलिए देखते हैं प्रोग्रामिंग में ये कैसे करते हैं. ये सिंपल वही डिक्लेअर किया है मैंने जो आपको समझाया था, ये लाइंस, ये स्ट्रक्ट बुक लिखा, ये इसका एक टेम्पलेट बनाया, और यहां से एक स्ट्रक्ट बुक 1, सिर्फ बुक 1 के लिए एक वैल्यू डलेगी. क्या वैल्यूज डलेंगी यहां पर, जैसे मैंने टाइटल डाल दिया बुक का, ऑथर की वैल्यू डाल दी यहां से, सब्जेक्ट की, और बुक का आईडी डाल दिया, और फिर उन सब चीजों को मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है? ये जो सी आउट की लाइंस है, ये क्या कर रही है, प्रिंट कर रही है, ये आपका टाइटल, ये ऑथर, ये सब्जेक्ट और ये बुक का आईडी, ठीक है? कैसे प्रिंट करवाते हैं, ये बुक 1 लिखेंगे साथ पे, डॉट टाइटल, बुक 1 डॉट ऑथर, बुक 1 डॉट सब्जेक्ट और बुक 1 डॉट ये बुक आईडी, ठीक है? तो ये देखो फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट एक ही बुक की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी जो मैंने एंटर की है. फिर इसके बाद अगर मैं मुझे एक और बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो मैं क्या करती हूँ, एक और बुक 2 नाम का एक, या बुक का कोई नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बुक 1 बुक 2 लिखें, आप बुक भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. तो एक और एंटिटी बनाऊंगी, एक और एंटिटी बनाने से क्या हो जाएगा, यही एक और ये वाला जो टेम्पलेट है,
ये वाला इसकी एक कॉपी और बन जाएगी यहाँ पर बुक टू के नाम से, पहली कॉपी ये बनी थी और दूसरी कॉपी ये बन जाएगी बुक टू। तो इसमें बुक टू की इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी हमने कोडिंग में एक की डाली थी हम दूसरी की डालेंगे। तो इसमें क्या कि अगर मुझे हज़ारों बुक सेव करनी है या लाखों सेव या बहुत ज़्यादा चीज़ सेव करनी है तो ये यहाँ पर डिक्लेरेशन ये सब ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ हो जाती है। तो इसका हमारे पास एक ईजी वे आउट है, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, जहां हमारे एरे इंट्रोड्यूस्ड होते हैं। सो लेट्स सी, अब एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स में हम कैसे करेंगे। अ स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन यूजिंग एरे टू डिफाइन ऑब्जेक्ट इज, कैसे स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं अगर हम एरे का यूज करते हैं। स्ट्रक्ट बुक सेव है तो हमने अब देखो फ्रेंड्स क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे हम कैरेक्टर्स यूज करेंगे ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। टाइटल का मैं सिर्फ टाइटल नहीं डिक्लेयर कर रही हूँ, मैं टाइटल का पूरा एरे डिक्लेयर कर रही हूँ। अभी ये समझने के लिए सीख लेते हैं कि मुझे लाइब्रेरी की 5 किताबें स्टोर करनी है, तो मैं अलग अलग से ना 5 एंटिटीज डिक्लेयर नहीं करूंगी, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, मैं वो नहीं डिक्लेयर करूंगी। मैं यहाँ पर 5-5 के एरेज ले लूंगी, ठीक है। एक टाइटल का एरे ले रही हूँ, ऑथर का भी मैं एरे ले रही हूँ, सब्जेक्ट्स का भी हम एरे ले रहे हैं और सिमिलरली बुक आईडी का भी एरे ले रहे हैं, ठीक है। ये देखो अब हम सबके एरेज उठा लिए मैंने, ठीक है। उसके बाद कैसे करते हैं, अब ये देखो हमने क्या किया यहाँ पर, स्ट्रक्ट बुक्स, बुक्स टाइप की एंटिटी, बुक टाइप की स्ट्रक्चर है ये, तो मैंने ये एरे ले लिया है। एक और यहाँ पे मैंने एक बुक 1, बुक 2, बुक 3 नहीं डिक्लेयर किया, मैंने सीधा बुक्स 5 का एरे ले लिया है। इसको हम क्या कहते हैं, एरे ऑफ एरेज। एरे ऑफ एरेज क्यों कहते हैं, ये इटसेल्फ भी एक एरे है और इस एरे की हर एक वैल्यू में भी आपको एक एक एरे मिलेगा। इसे ध्यान से समझो कि मैंने वो जो बुक 1, बुक 2, बुक 3 था उनका एक एरे, उसकी हर एक इंडेक्स पे फर्दर एक एरे डला हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे, देखो फ्रेंड्स ये बुक्स है, ये बुक्स का जो ब्लूप्रिंट बनेगा, जो टेम्पलेट बनेगा वो ऐसे बनेगा कि ये बुक्स है और इसमें जो 5 इंडेक्स वैल्यूज हैं, ठीक है, इनमें फर्दर ऐसे वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। 5 टाइटल के लिए वैल्यू, 5 ऑथर के लिए और 5 सब्जेक्ट और 5 बुक्स की आईडी के लिए, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यूज बनती हैं। यहाँ हम एरे डिक्लेयर किया मुझे अलग अलग से, तो मैं 5 बुक्स की वैल्यू जो है ना एक ही एरे में स्टोर कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे अब एक वैल्यू डाली है मैंने, सुपोज जैसे मैंने आपको बताया था कि एरे में वैल्यूज कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज असाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर, असाइनिंग वैल्यूज टू द बुक्स एरे फॉर डिफरेंट बुक डिटेल के लिए। अब ये सिर्फ मैंने एक ही वैल्यू डाली है एक बुक के लिए, एक बुक का ही मैंने टाइटल डाला है, एक बुक का ही ऑथर डाला है और एक बुक का ही सब्जेक्ट है, एक बुक की ही आईडी है, ठीक है। एक के लिए एंट्री की है तो कैसे ये एंट्री चली जाएगी टेबल में, ये देखो फ्रेंड्स ये एंट्री ऐसे जाएगी, जीरो जो बुक्स वाला एरे है उसके जीरो इंडेक्स पे जाएगी ये वैल्यू। ये जो चारों वैल्यूज हैं इसमें 4 एरे क्रिएट किए हुए ना हमने एक एरे के अंदर, तो ये फर्स्ट पे जीरो पे वैल्यूज चली जाएंगी, ठीक है। इसे प्रोग्रामिंग में देखते हैं कैसे होगा ये, देखो क्या किया है हमने, वही स्ट्रक्चर में यहाँ पे अब हमने क्या किया है फ्रेंड्स, एरे डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, एरे बनाए हैं और बुक्स का भी एक एरे ले लिया। यहाँ पे मैंने जैसे 50 डाल दिया, यानी इसमें 50 बुक्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी, वहां 5 लिखा है मैंने तो, और एक मैंने वैल्यू डाल दी है, ठीक है, जो भी मैंने वहां पे बताई। और यहाँ पर हम फोर लूप चला रहे हैं, आई लेस देन -1 लिखा है मैंने यहाँ पे, क्यों लिखा है कि आई सिर्फ एक बार ही चले, अभी क्योंकि मैंने एक ही एंट्री डाली हुई है, अगर मैं 50 एंट्री डालूंगी तो मैं यहाँ इस लूप को जो है 50 बार चलाऊंगी, सो दैट 50 की इन्फॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो हम i = i < 1 रख रहे हैं कि मुझे एक ही बार चलाना है, क्योंकि मुझे मैंने एक ही वैल्यूज डाली है, ठीक है, एक ही बुक की इन्फॉर्मेशन है, ये बुक की इन्फॉर्मेशन है, ये हमने इस तरीके से बुक की इन्फॉर्मेशन डाली है, ठीक है। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मुझे बता रहा है बुक का टाइटल, बुक का ऑथर, ठीक है, तो ये एक ही बुक की इन्फॉर्मेशन अभी हमें बता रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसमें दूसरी बुक का, ये मैंने एक का डेटा डाला है एक बुक के लिए और ये मैंने यहाँ पे कॉमा करके दूसरे बुक का डेटा डाल दिया है, तो अगर मैं दूसरी बुक का भी डेटा डाल दूंगी तो वो कैसे स्टोर हो जाएगा। सेकंड में जो एंट्रीज हैं
ये जैसे सपोज यहाँ पे कंप्यूटर डाल दिया, यहाँ पे SB बालूजा ऑथर है, यहाँ पे डाटा एल्गोरिदम है और ये आईडी कुछ डिफरेंट है, तो वो सेकेंड वाले पे चला जाएगा एरे पे। ठीक है, जैसे प्रोग्राम में करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक ही की वैल्यू डली हुई है, यहाँ हम कॉमा यहाँ मैं डाल लेती हूँ, सपोज कंप्यूटर बुक है, कॉमा बुक का नाम टाइटल है और इसके ऑथर सपोज करो SB बालूजा, एनी नेम, और सपोज जो सब्जेक्ट है बुक का वो डाल देते हैं डाटा एल्गोरिदम, और कॉमा आईडी देते हैं 768222। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, लूप हमने दो तक चलाना है। सी, अब हमारे पास दो की वैल्यूज दिखा रहा है, ये कंप्यूटर SB बालूजा और ये डाटा एल्गोरिदम और ये इसका आईडी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी ये हमें दो की वैल्यूज दिखा रहा है, तो एरे में दो इंडेक्स पर वैल्यू डल चुकी है। ठीक है, कोडिंग में भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ऐसे हम जो है एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाकर स्ट्रक्चर्स में के इम्प्लीमेंटेशन में एरे को यूज कर सकते हैं और अपने काम को और इजी बना सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं स्कोप ऑफ लीनियर एरे डेटा स्ट्रक्चर्स। अब जो स्कोप है हमारे एरेज का, कितना लिमिट है, कहां तक इसको यूज कर सकते हैं, पहला तो यही है कि इसमें फिक्स टाइप ऑफ डेटा जो है स्टोर होता है डेटा में। ठीक है, सबसे पहली तो लिमिटेशन यही है कि इसमें हम वेरिएबल काइंड ऑफ डेटा नहीं यूज कर सकते। जैसे एक ही एरे में मैं नेम और फोन नंबर दोनों सेव नहीं कर सकती, मुझे नेम और फोन नंबर दोनों के लिए दो अलग अलग एरे चाहिए। जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर्स में भी देखा, अगर मुझे चार वैल्यू स्टोर करनी है टाइप की, तो मैंने चार एरे लिए हैं। ठीक है, आईडी के लिए अलग से एरे लेना पड़ रहा है और नाम के लिए अलग से लेना है, तो फर्स्ट तो लिमिटेशन की यही होती है कि आप उसमें सेम टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप डिफरेंट टाइप का डेटा नहीं स्टोर कर सकते। और दूसरा क्या है, प्रायर नॉलेज ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये सबसे और क्या लिमिटेशन है कि आपको कितनी वैल्यू स्टोर करनी है वो आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली जो है एरे में बाद में साइज चेंज नहीं होता। ठीक है, और नेक्स्ट, दीज आर स्टैटिक स्ट्रक्चर्स, और लीनियर एरे जो है वो स्टैटिक स्ट्रक्चर्स है। स्टैटिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो कंपाइल टाइम पर ही हो जाती है। ठीक है, अगर आपको मोर मेमोरी चाहिए फर्दर, जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो हम और मेमोरी एलोकेशन हमें नहीं मिल सकती। ठीक है, वो कंपाइलिंग टाइम पर ही हो जाती है, लेकिन जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, रियल लाइफ है ना, वहां पर हमें क्या होता है कि किसी भी टाइम हमें एक और वैल्यू लेने की जरूरत पड़ जाती है वहां पर, तो हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन चाहिए होती है। ठीक है, हमें रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन चाहिए, तो वो फैसिलिटी एरेज के साथ नहीं है। ठीक है, और थर्ड क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग, एरे जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आज के टाइम में हमारे पास ऐसे ऐसे जो है डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं जो क्विकली, जिससे हम बहुत सारा मेमोरी एलोकेशन वो भी रन टाइम पे कर सकते हैं, तो एरे थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपनी अगली डेटा स्ट्रक्चर्स। धीरे धीरे फ्रेंड्स हम डेटा स्ट्रक्चर्स की सारी टाइप्स जो हैं, स्टैक्स, क्यूज, लिंक्ड लिस्ट, ग्राफ, ट्री, सब कवर करेंगे। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।